तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रैपिड रोहन ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज 13 नवंबर और अभी शाम के 4:30 हो रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं आप लोगों को मेरे एक बहुत ही खास और एक बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे बैठा है गुड्डू। सो ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग क्लास 5 से 7 से हम लोग साथ में एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों ने 11-12 तक साथ में पढ़ाई किया। उसके बाद ये अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते में आ गया। तो फाइनली आज हम लोग बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। ये अभी मेरा घर में बैठा हुआ है। कितना साल बाद हम लोग मिल रहे हैं? आई थिंक 6-7 साल लगभग। क्योंकि 14 में हम लास्ट मिले थे, तो हम लोग स्कूल में ही लास्ट मिले थे। उसके बाद सब अपने लाइफ में बिजी हो गए, तो फाइनली आज ये बहुत ही बिजी था, इसका अपना कुछ काम चलता रहता है, तो मैंने इसको फ़ोन किया। तो अभी घर में आया है, मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम लोग बात उत कर रहे हैं। तो पुराना बात हम लोग का मतलब याद आ रहा है, हम लोग ने अभी बहुत सारा बात किया, तो मैंने सोचा कि ये अभी एक मेमोरेबल मोमेंट है, क्योंकि अभी ये चला जाएगा। कल तो दिल्ली का ट्रेन है, ये दिल्ली में रहता है, वहाँ पे अपना कुछ स्टडी करता है और काम भी करता है, तो कल इसका ट्रेन है दिल्ली का चला जाएगा। तो मैंने सोचा आज ही लास्ट मौका है, तो एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो आप लोग के लिए कर लेते हैं। तो अभी ये गुड्डू कुछ बोलेगा, अभी अब मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, अब तुम बोलो जो बोलना है मेरे बारे में। हाय गाइस, बहुत स्ट्रगल कर रहा है बंदा, बहुत टाइम से कर रहा है, तो जो भी हो, जो भी इसके वीडियोस देखे, थोड़े से अटखटे हरकतें करता है, पर इतने सारे वीडियोस में अच्छे भी वीडियोस करता है और मेहनत करता है, तो आपको फ़र्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो लौंडे को, और बच्चा बनाओ अपना, एथलवाड़ी का लौंडा बनेगा कभी स्टार, तो हमें भी खुशी होगी। तो वैसे मेहनती लड़का है, करो इसको। तो अभी जैसे कि जब ये गुड्डू तो मेरे साथ मतलब बचपन का ही फ्रेंड है, हम लोग 5-6 एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते मतलब होते जाते, जैसे हम लोग अब छोटे थे मतलब स्कूल में थे, तो उतना समझ नहीं आता है दुनियादारी का। तो जैसे जैसे अभी हम लोग बड़े हो गए, तो गुड्डू से अब बहुत टाइम से मैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में कॉन्टेक्ट में हूँ, तो गुड्डू मुझको मतलब हमेशा पॉजिटिव तरीके से मतलब सपोर्ट करता रहता है, हमेशा मुझको बोलता रहता है कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा और करो, आगे बढ़ो, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो अच्छा लगता है कि चलो फ्रेंड लोग समझते हैं मुझको। तो अभी गुड्डू अभी बताएगा स्कूल का कुछ बात, कि हम लोग स्कूल में थे तो कैसा हरकत करते थे, उल्टा फुल्टा। एक मुझे याद आ रहा है, पता है कौन सा? एक बार याद है, एक बार एक्चुअली हुआ क्या था गाइस, कि मैं और मेरा एक हमारा दोस्त है आज़ाद, हम सेम क्लासमेट थे, और ये और एक मुन्ना हमारा फ्रेंड है, वो सेम क्लासमेट थे, हम सेक्शन सी में था और हम डी में थे। तो एक बार हमारी एक मैम थी, तो उन्होंने हमें, मुझे और आज़ाद को कुछ गलत करते हुए देख लिया था। तो वो हमें क्लास में पढ़ाती थी, तो फिर अचानक से एक बार वाई और बोलती है कि तुम्हारे साथ दो दोस्त और कौन से थे, जबकि ये लोग नहीं थे। एक्चुअली सिचुएशन क्या था कि ये लोग नहीं थे, पर हमें पता नहीं था कि कौन से बातों को लेके मैम बोल रही है, तो हमने इन्हें बुला दिया, और जैसे ये आए और हम चारों की जम के धुलाई हुई। कितनी धुलाई हुई कि तो मतलब ये बिना मतलब के पीटे गए, बस यही चीज़ रहा। ये लोग ये डी में था, मैं सी में था, हम लोग मुझको और मेरा फ्रेंड को पता ही नहीं कि हम लोग क्या हुआ, मतलब हम लोग मैम डांट क्यों रहा है, क्यों क्या हो रहा है। ये लोग हम ये मतलब बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग फालतू में फंस गए और मतलब हो गया अच्छे से, बहुत मतलब इज्जत। तो वो सब स्कूल का मोमेंट। कौन सा क्लास होगा? 8 में थे हम लोग, क्लास 8 में थे, तो हो गया 9-10 साल तो हो ही गया, पर फिर भी याद है, पूरी लाइन याद है कि कैसे कैसे चीज हुआ था। तो अभी भी मतलब हम लोग ये सब सोचते हैं, अभी जैसे मैं इसे अभी मिल रहा हूँ, तो अभी मतलब वो तो स्कूल वाला टाइम पूरा मतलब याद आ रहा है कि हम लोग कैसे क्या करते थे। तो अभी देखो अब सब हम लोग भी बड़े हो गए हैं, अभी हम लोग का भी एज हो गया, अभी हम लोग का शादी का एज हो चुका है, तो अभी हम लोग काम में अपने बिजी हो गए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो हम लोग मिल नहीं पाते। आज तो यही बहुत सालों बाद गुड्डू से मिला, बहुत खुशी लग रहा है मिल के कि हाँ चलो फाइनली तो एक बार मिल ही लेते हैं। तो कल तो निकल जाएगा ये दिल्ली के लिए, उसके बाद कॉन्टेक्ट तो हम लोग का होते ही रहता है। फाइनली गुड्डू अभी लिख लेगा, इसको अभी घर जाने, इसका घर धूपगुड़ी में है और कल इसका दिल्ली का ट्रेन है। तो अभी यहाँ पे गुड्डू को चाय मतलब पिला दे रहे, अब इतना साल बाद आए, अब चाय भी नहीं पिएगा। नहीं तुम बताओ, दोस्त है इतना दूर से आया, अब इसको एक चाय तक अगर नहीं पिलाएंगे तो वो कैसा होगा, सोचो। वीडियो के लिए चाय नहीं पिला रहा है, दोस्ती के लिए चाय पिला रहा है। दोस्ती के लिए रियल में चाय पिला रहा हूँ, तो इतना दूर से आया, कम से कम एक कप चाय तो पी के जाना चाहिए। तो फाइनली अभी निकल जाएगा, तो अच्छा लगा इससे मिलके। ठीक है गाइस, लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, आपका फर्ज बनता है कि आप इसे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इसके चैनल को। बाय, गुड बाय।
तो गुड्डू के बारे में मैं एक और बात करता हूँ, अभी आराम से ये इसको चाय पीने देते हैं। ये मतलब स्कूल में जब हम लोग थे, बात करते थे, तो ये अलग सेक्शन में था, मैं अलग सेक्शन में था, तो हम लोग सिर्फ छुट्टी जब होता था या फिर टिफिन के टाइम में हम लोग मिलते थे, तो उस टाइम से ही मतलब इससे मेरा बात होना स्टार्ट हुआ था। तो गुड्डू उस टाइम भी मतलब मेरे से अच्छे से ही बात करता था, और उस टाइम भी कुछ सपोर्टिंग जैसा ही था कि हाँ, जैसे कि कभी नोट्स दे देना हुआ या फिर कभी कुछ पढ़ाई के रिलेटेड बताना हुआ, तब से ही ये था। तो अभी बड़ा हो गए तो दोस्ती और गहरा हो गया है, तो अच्छा लगा मेरे घर में आया, मिला, और थैंक यू। अभी अपना लाइफ में तुम भी आगे बढ़ना, हम भी आगे बढ़ेंगे, अब दोनों दोस्त हैं। बिल्कुल अब इतना ज्यादा रिस्पेक्ट जैसे बात करेंगे तो लोग सोचेंगे कि मतलब दोस्त है इसकी इतना रिस्पेक्ट ऐसा, लेकिन जो भी है दोस्ती में रिस्पेक्ट जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि अभी पड़ा हो गया तो कुछ भी ऐसा होता है। तो अच्छा लगा, तो अभी आराम से अभी ये जाना घर, और कॉल वॉल मैसेज वैसेज तो बात होते ही रहता है। तो आई होप ये छोटा सा मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया है मेमोरी के लिए मेरा और गुड्डू का। तो फाइनली आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो।